What's up everybody and welcome back to another video. आज हम लोग ऐसे खेलने वाले Minecraft और आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है और आज मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए पर आज मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ ये मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ पर आज हम लोग Minecraft में बनने वाले हैं थॉर। और गाइज मेरे को सच्ची अच्छी बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग को ये थॉर की शक्तियां कहां से कैसे क्यों किस तरह मिलेगी। तो यार जल्दी चलते Minecraft के अंदर और बनते थॉर। ओ ऑलराइट, हम लोग ये Minecraft वर्ल्ड के अंदर आए हैं और मैं सीधा विलेज में स्पॉन हुआ। क्या मेरे पास थॉर की शक्तियां है? आई डोंट थिंक सो। मेरे पास मेरा हथौड़ा नहीं है यार। ओ आयरन गोलम, क्या तू जानता है मेरे को थॉर की शक्तियां किधर मिलेगी? लगता है ये नहीं जानता है। एक काम करता हूँ, ये विलेजर को पूछता मेरा हथौड़ा किधर है। ओए विलेजर, क्या तूने मेरा हथौड़ा देखा साले? ओए बेशरम, बात कर रहा हूँ तुझसे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। कहाँ भाग रहा है इधर? मेरा हथौड़ा किसने लेगा? मेरा हथौड़ा कौन लिया? क्या तेरे पास मेरा हथौड़ा है? ओ लगता है यहाँ मेरा हथौड़ा है। ओए क्या तेरे पास मेरा हथौड़ा है? नहीं भैया, डायरेक्ट भाग गया भाई। यार किसी के पास मेरा हथौड़ा नहीं है यार, मुझे मेरा हथौड़ा चाहिए। अबे ये क्या हो गया इस Minecraft वर्ल्ड को? ये पूरे वर्ल्ड पर ये क्या चीज हुआ है भाई? यहाँ पे सारे झाड़ के पत्ते गायब कैसे? व्हाट, यहाँ पर क्या हुआ है? और यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे भाई। क्या ये कुत्ते झाड़ के पत्ते खा गए? ओए कुत्ते, क्या तू झाड़ का? ओ शिट शिट, रन। सॉरी, कुत्ते बच गए। सॉरी, मैंने कुछ देखे। डॉगी, आई एम सॉरी। तेरे को पार्ले जी खिलाएगा मैं। तेरे को मैं पार्ले जी। अरे भागो, अरे भाई कुत्ते पीछे पड़ गए यार। थॉर बनने आए Minecraft के अंदर, कुत्ते पीछे पड़ गए भाई। कहाँ भागो, अब तक आ रहेगा पीछे मेरे। ओके, ओ लगता है भूल गए। मैंने इन लोगों पार्ले जी की बात करी थी। अच्छा ला रो। सॉरी, भाई जी कुत्ते पार्ले जी बोला, शांत हो गए भाई। इन लोग को पार्ले जी ला के देना पड़ेगा। अब पार्ले जी कहाँ से लाऊं मैं? रुको जरा, एक और बार जाके ट्राई करते हैं। हेलो, तुम लोग को ना मैं पार्ले जी कल ला के देता हूँ, ठीक है? हेलो सुनना, हेलो बो। हाँ समझाओ, समझ रहे हो? मैं उसको बोबो लैंग्वेज से बोला कि मैं उसको पार्ले जी कल लाके देगा, कल, टुमारो, आज नहीं। आज पार्ले जी के पास नहीं है तो समझ गया ही इज अ गुड डॉग। ऐसा ना Minecraft के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ रहे हो? ओए येड़े संभाल के। ओ यार मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, चक्कर में तो भूल ही गया था कि मुझे भाई 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 व्हाट भाई, कुत्ते खरगोश के पीछे पड़ गए भाई। अजीब कुत्ते, खरगोश कैसे पड़े हो तुम लोग? चलो ठीक है यार, इनके अपने शौक है यार। ओए अपने भाई लोग को बोलो यार, क्या खरगोश कैसे पड़े हुए हैं? तो छोड़ो यार, मेरे को जानना है कि मेन यहाँ पर ये चीज कैसे। ओह वेट व्हाट, ये क्या है यहाँ पर? बीकन किसने लगाया? हेलो गाइस, आई थिंक यही बीकन के पास छुपा है मेरे थॉर बनने का राज। ओ भाई ये क्या चीज है? अबे ये पूरे वर्ल्ड में सारे झाड़ ऐसे क्यों बन गए भाई? ये वर्ल्ड में कुछ तो झोल है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर तीन तीन बीकन लगा रखा है और यहाँ पर एक लेक्टर ने इस पर बुक रखा हुआ है। ओ भाई ये बुक में क्या लिखा हुआ है? द पावर्स ऑफ द गॉड्स विल बी योर्स। ओके थॉर भाई, थॉर तो गॉड ऑफ थंडर है। गाइस यही वो बुक है जो हमको बताने वाला है कि हमें थॉर की पावर कैसे मिलेगी। इफ यू हैव 64 एनिमल स्किन्स, 16 ब्लू एक्सपेंसिव ब्लॉक्स एंड 1 स्टार फ्रॉम द नेदर। भाई यार इन लोग को हर चीज ऐसा घुमा फिरा के क्यों लिखना है? सीधा सीधा लिख दो ना क्या क्या चाहिए। 64 एनिमल स्किन्स, आई थिंक इसका मतलब है मुझे 64 लेदर चाहिए, आई थिंक सो। 16 ब्लू एक्सपेंसिव ब्लॉक्स, Minecraft के अंदर ब्लू एक्सपेंसिव ब्लॉक्स क्या होता है? लापिस लुपिस? ओ नहीं वो तो डायमंड होता है। ये देखो ब्लू कलर का एक्सपेंसिव ब्लॉक्स। इधर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब मेरे को 4 ब्लॉक्स का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे चाहिए 1 स्टार फ्रॉम द नेदर। स्टार फ्रॉम द नेदर, आई थिंक गाइज ये नेदर स्टार है। तो यार गाइज मुझे पावर के लिए 64 लेदर चाहिए, 16 डायमंड के ब्लॉक्स चाहिए और एक नेदर स्टार चाहिए। अब ये सब चीज मैं कहां जुगाड़ करने बैठूं? बट
ओके ओके गाइस गाइस रुको, अगले पेज में उसने बट लिखा है, बट पिछवाड़ा वाला बट नहीं, बट वाला बट, पर वाला बट, पर मगर पर। गुड, क्या न्यूज? गुड न्यूज कैसा? गुड न्यूज, टू योर लेफ्ट यू हैव इट ऑल। टू योर लेफ्ट मतलब वो सारी चीजें इस डब्बे के अंदर है। ओ गाइस, तुम लोग को ये नीचे रेड कलर का हार्ट देखकर कुछ याद आ रहा है? यार मैं कितनी बार याद ला तो तुम लोग को पता है यार रेड हार्ट देखकर क्या याद आता है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसके पास जाने का, हाथ में म्योर लीना स्टॉप ब्रेकर लेने का और ऐसे 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 के मार देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर तुमने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 75,000 लाइक्स का। भाई मैं यहाँ पे फालतू का सोच रहा हूँ कि यार मैं कहाँ डायमंड माइनिंग करने जाऊंगा, मैं कहाँ से लेदर लाऊंगा, मैं कहाँ से लेदर स्टार ढूंढूंगा, ये सब कुछ यहाँ पड़ा है पहले से। ओके, तो हम यहाँ से डायमंड ले लेंगे, हम यहाँ से लेदर ले लेंगे, हम यहाँ से नेदर स्टार ले लेंगे। ये सारे चीजें चाहिए हमें थॉर की शक्तियां मिलने के लिए। पर यहाँ पर इतने सारे ब्लॉक्स क्यों रखे हुए हैं? मैं ले लूंगा भाई, क्यों रखे हुए मेरे को नहीं जानना, मैं ले रहा हूँ। ये सब कुछ क्यों रखा है मेरे को नहीं जानना, मैं सब ले रहा हूँ। यहाँ पर एनविल भी रखा हुआ है। ओके, तो मेरे को जो भी चीज चाहिए थी बस सब कुछ आ चुकी है। बस डायमंड का ब्लॉक्स है, लेदर है, स्टार है और मेरे को पता नहीं ये सारी चीजें क्यों दिए हुए। ओके 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 गाइस, बुक में कुछ तो लिखा है आगे। नाउ हियर इज व्हाट द गॉड से, गो अप टू द लिमिट्स व्हेन योर विजडम इज 50 एंड मिक्स इट ऑल ऑन एन आयरन प्लेट। ए भाई कुछ नहीं समझा रहे होगा मेरे को क्या लिखा है। गो अप टू द लिमिट्स, आई थिंक ये बिल्ड लिमिट की बात कर रहा है। तो क्या हम लोग को बिल्ड लिमिट तक जाना है? 256 ब्लॉक आई थिंक। ओके, आई थिंक हम लोग को बिल्ड लिमिट तक जाना है। व्हेन योर विजडम इज 50, विजडम इज 50 से क्या मतलब है? विजडम इज 50 से क्या मतलब है? आई थिंक विजडम इज 50 से मतलब है एक्सपी, आई थिंक 50 की एक्सपी चाहिए। एंड मिक्स इट ऑल ऑन एन आयरन प्लेट, अब ये लोहे की थाली माइनक्राफ्ट में कहां से लाऊंगा मैं? गो अप टू द लिमिट्स व्हेन योर विजडम इज 50 एंड मिक्स इट ऑल ऑन एन आयरन प्लेट। आई थिंक हमें सबसे पहले हमारे एक्सपी को 50 तक लेके जाना है और फिर हमें बिल्ड लिमिट तक जाना है और उसके बाद हमें सब कुछ एक आयरन प्लेट पे मिक्स करना है। आयरन प्लेट मतलब मुझे सारे ब्लॉक्स को लगाने। ओ वेट वेट वेट, मेरे पास एनविल भी है। आई थिंक शायद से हमें 50 लेवल का एक्सपी करने के बाद बिल्ड लिमिट पे जाना है और बिल्ड लिमिट पे जाके इन सारे चीजों को हमें गिराना है इस एनविल के ऊपर या इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। मतलब मैं दोनों के इसमें कंफ्यूज हूँ किसके ऊपर गिराना है, या तो इस एनविल के ऊपर गिराना है या तो ब्लॉक के ऊपर गिराना है। तो यार ये तो पता चलेगा ऊपर जाकर ही। और सबसे पहले मुद्दे का बात ये है, तो डरावने आवाजें क्यों आ रहे? पर सबसे पहले मुद्दे का बात यह है कि मेरे को 50 लेवल का एक्सपी कहां से मिलेगा अभी? ये राइट वाले डब्बे में क्या है? भाई डब्बे भर के बॉटल ऑफ एंचेंटिंग रखा है, डब्बा भर के बॉटल ऑफ एंचेंटिंग रखा है। मतलब गाइस ये किताब जिसने भी लिखा है ना, जो भी चाहता है ना कि भाई मैं थॉर बन जाऊं, भाई ये बंदा बहुत प्रो है। सब कुछ पकड़ा दिया एक साथ, सारे चीज दे दिए, बॉटल ऑफ एंचेंटिंग दी, सब कुछ दे दी मेरे को। कितने को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सब कर ले। तो गाइस अपन जल्दी से ये बाटली को मारना चालू करेंगे और इससे हम लोग को लेवल 50 करने का है, जिसमें आई थिंक टाइम नहीं लगेगा। अभी तक ऑलरेडी 13 हो गया, 15 भी हो गया। अबे एक स्टैक में भाई, एक स्टैक में ऑलमोस्ट 20 पहुंच चुका हूं, तो मुझे इतने स्टैक क्यों दिए इसने? अजीब नंबर है। ओ नहीं 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 नहीं, मुझे जस्ट एक चीज याद आ गया कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो लेवल्स है वो 30 तक फुल स्पीड बढ़ता है, उसके बाद लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे। ओ यस, लेवल 30 हो गया, 31। हाँ अभी बहुत धीरे बढ़ रहा है, अभी बहुत धीरे बढ़ रहा है। स्टार्टिंग के 15 लेवल एक स्टैक से आगे मेरे। यार थोड़ा नीचे फेंक के बोर हो गया, अब थोड़ा ऊपर फेंकेंगे ऐसे। ये घूमते घूमते बॉटल ऑफ एंचेंटिंग फेंकेंगे भाई। लेवल 38 हो गया ऑलरेडी। ओ गाइस मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, क्या करते हैं अभी यहां पर ना पहले ना खड्डा खोदते, ठीक है, और ना इस खड्डे के अंदर ना अपन सारे बॉटल फोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सीधा उस खड्डे में कूद जाएंगे। ओ शिट, ओए ओए ऊपर क्यों आ रही है? तुम लोग ऊपर नहीं आना है, नुबड़ो नहीं आना ऊपर तुम लोग को। भाई थोड़ी गहरी खड्डा खोदना पड़ेगा भाई, मेरे को खड्डा खोद के मेरे को सारे एक्सपी उसके अंदर डालने। ओए ऊपर क्यों आ रही है?
ओए मेरे पास नहीं आना, ओए मेरे पास नहीं आना भाई, ये धीरे धीरे आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मुझे यहाँ से ऐसे गिराते रहना है। अब मुझे पता नहीं कि अंदर कितना लेवल बनेगा, पर जब मैं सब फेंकने के बाद अंदर जाऊंगा भाई, एक साथ लेवल अप होगा, मजा आएगा। वैसे एक्चुअली मुझे इसको नीचे फेंकने की जरूरत नहीं थी। ओ नहीं, जरूरत है। ओ नहीं, मैं ऐसे फेंक सकता हूँ इसको। क्या इतने बाटली काफी होंगे मेरे लेवल 50 के लिए? अभी मेरे को सिर्फ अभी 9 लेवल करना है। और ऑलराइट गाइस, अभी ना मेरा गेम लैग होना चालू हो चुका है। मेरा गेम लिटरली 20 FPS पे आ गया, तो मेरे को लग रहा है मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑर्ब्स हैं, तो जल्दी सारे ऑर्ब्स चल के लेते और देखते हैं कितना लेवल बढ़ता है। ओ भाई नीचे क्या हाल है? ओ भाई गेम गया, ओ भाई पीसी फट गया, पीसी नहीं, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना था, नहीं शिट, ओ भाई नहीं, अबे क्या लैग कर रहा है? ओ शिट, मैं 1 FPS पे आ चुका हूँ, ओ भाई ये नहीं करना था, गाइस डू नॉट ट्राई दिस एट होम प्लीज। ओ शिट, ये बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, भाई यहाँ मैं सोच के कूदा था कि एक साथ भाई सारे लेवल तो थर बढ़ जाएंगे, पर ये तो भाई मेरा उल्टा ही पड़ गया। ओके ठीक हो। 47 भाई कितने ऑर्ब्स हैं यहाँ पर? और ओ भाई मैं आपको हाथ से घुमा सकता हूँ भाई, सुपर पावर्स 49, और आई थिंक ये लास्ट लेवल है जो बढ़ गया अपना। भाई ये पीछा कर रहे मेरा, और यस यस गाइस अपने 50 लेवल हो चुके। अबे लो क्या पीछा कर रहे हो, बस करो भाई और नहीं बढ़ना। ओके हाँ थोड़ा ठीक है, चलेगा। अभी फुकट का सामने से एक्सपी आ रहा है, बना थोड़ी करूंगा मैं। ओ तू यहाँ क्यों रह गया इधर, तू क्यों बच गया, तुम लोग क्यों बच गए इधर? ओ यस, ओ वहाँ पे बच गया भाई, ऐसे एक्सपी आपको छोड़ते नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने हमारा एक्सपी लेवल 50 कर लिया है, तो गाइस अभी ना अपने को जाने का बिल्ड लिमिट तक। तो अभी हमारे पास इतना आयरन है और इतना वुड है, तो हम लोग वुड से बनाते क्राफ्टिंग टेबल, और इस क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग बनाएंगे एक वाटर बकेट, और इस वाटर बकेट में यहाँ से ऐसा एक बाल्टी पानी लेके जाएंगे। तो इनकेस अपन कभी ऊपर से गलती से गिर गया या कुछ लफड़ा हो गया, तो अपन लोग सीधा ऊपर से करेगा MLG। मेरे को ना एक और बाल्टी बनाने का पानी, एक बाल्टी पानी मजा नहीं आता, पानी भरपूर लेके जाने का दोस्तों, पानी भर भर के लेके जाओ। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपने को बिल्ड करके लिटरली जाना है 250 लेवल के आसपास, जो कि बिल्ड लिमिट है, और होपफुली वो गो अप टू द लिमिट से यही मतलब था कि बिल्ड लिमिट तक जाओ, अगर कुछ और था तो लग गए। ओ शिट, गोइंग अप टू द लिमिट्स शायद से एलिट्रा का अचीवमेंट है। ओ भाई क्या ये गेम मुझे एलिट्रा लेने बोल रहा है? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो पहले ऊपर जा रहा हूँ बिल्ड लिमिट तक, फिर देखेंगे एलिट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमें इस तरह से लकड़ियां लगाते जाना है जब तक हम ऊपर नहीं पहुंचते। इनफैक्ट अपने लिए सबसे इजी काम यही है कि हम लकड़ी लगाते जाए जब तक हम और लकड़ी नहीं लगा सकते। भाई बिल लिमिट कितना ऊपर है? ओ शिट, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ इस पूरे गेम में हर जगह झाड़ ऐसे क्यों हुआ पड़ा है। लिटरली यहाँ पर एक विलेज है। भाई कितने विलेजेस गेम में? और गाइस इसी के साथ हम लोग बादलों के ऊपर आ चुके हैं। भाई डब्बे लगा लगा के यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ओके अभी हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं कि वर्ल्ड भी ठीक से लोड नहीं हो रहा है, मतलब इसके आगे हमको वर्ल्ड दिख रहा है साइड में। ओ शिट, यहाँ डर लग रहा है मेरे को, यहाँ मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। ओ और गाइस इसी के साथ हम लोग बिल्ड लिमिट तक आ चुके हैं, तो मेरे को बिल्ड लिमिट से एक ब्लॉक नीचे तक रखना है, क्योंकि अगर मुझे एनविल प्लेस करना है तो उसके लिए मुझे एक ब्लॉक का जगह चाहिए। ऑलराइट, अभी ना पहले ना मैं ना यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना लेना सेफ मानूंगा, क्योंकि इतने हाइट पे आके ना, इतना हाइट पर आने के बाद ना मेरे को डर लग रहा है ये हाइट पे आने के बाद मैं अगर यहाँ से गिर गया ना, तो यार मेरे पास बाल्टी बुल्टी तो है पर डर है भाई, डर बहुत जाता है। तो मेरे को भी क्या करना है, मेरे को भी इन सब चीजों को लेकर इसके ऊपर डालना है, और अगर मैं सब चीजों को इसके ऊपर सही से डाल दूं और आयरन प्लेट से उसका मतलब एनविल था, तो सब चीजें इसके ऊपर डालते ही मुझे थॉर की शक्तियां मिल जाएगी। ऑलराइट, तो डालना चालू करते हैं। ओए ओए नीचे गिर गया। ओ शिट, नसीब नीचे नहीं गिरा पूरा।
ओके, सबसे पहले हम लेदर डालेंगे ऐसे। अबे यार लेदर साइड में गिर रहा है। ओके 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 ओके, सही है, जाता रहे। साइड में नहीं गिरना, लेदर सारे जाते रहो ऊपर, सारे लेदर जाते रहो। ओके, सारे लेदर चले गए। अभी हम डालेंगे सर, चप्पल मारूंगा मैं भाई अभी गेम को, मैं चप्पल मारूंगा इस गेम को अभी भाई। क्या फिजिक्स है ये? तुम माइनक्राफ्ट हो यार, तुम इतना फिजिक्स मत लगाओ यार, तुम फिजिक्स वाला नहीं हो, तुम माइनक्राफ्ट हो। ओके, तो हम लोग ने सब कुछ डाल दिया। ओ शिट, आई थिंक ये चीजें एनविल के ऊपर नहीं गई। ओ शिट, कुछ तो हो रहा है भाई। मेरे को ऐसे दूर जाना चाहिए। ओ भाई, सारे डायमंड के ब्लॉक्स। ओ भाई, क्या हो रहा है ये? What the hell? ओ भाई, ये सब चीज हवा में उड़ रही है। शिट भाई, ये क्या था? ये एक्सप्लोशन क्या था? वेट अ सेकेंड, ओ भाई, यहां पर म्योलनीर है भाई, यहां पर म्योलनीर पड़ी हुई है भाई। उस एक्सप्लोशन के बाद ऊपर से म्योलनीर आकर गिरा है। और गाइस, इसी के साथ हमें मिल चुका है थॉर की शक्तियां। अभी मैं ऊपर से नीचे आ गया, ये कौन सी जगह है? और मेरे हाथ में म्योलनीर है। ओ भाई, म्योलनीर लेते ही फटा ऊपर से। और गाइस, ये म्योलनीर मिलते ही मैं थॉर बन चुका हूँ। ओ बे, वेट, मेरे को ये म्योलनीर के पावर्स ट्राई करने हैं। भाई, मैं म्योलनीर से लोगों को बिजली मार सकता हूँ। ओए टुक्कर, तू होगा हमारा सबसे पहला टेस्ट सब्जेक्ट। तेरे में बिजली गिराऊंगा म्योलनीर से। ओके, 3, 2, 1। ये पिगमैन क्यों बन गया? सर एक्सक्यूज मी, यू डोंट बिलोंग हियर, बाय बाय। ओ भाई, भाई ये तो अद्भुत शक्ति है मेरे पास आज, मैं जहां चाहे बिजली गिरा सकता हूं। भाई, मैंने स्ट्रक्चर पे आग लगा दी। ओ भाई, गाइस, द गॉड ऑफ थंडर, मैं जहां मन करे बिजली गिरा सकता हूं। और अगर मैं किसी को हथौड़े से ऐसे मारूं तो भाई वो एक फटके मर जाएगा, ओ भाई, क्या पावर है ये? भाई, मैं जहां मन करे बिजली गिरा सकता हूं। ओ भाई, द गॉड ऑफ थंडर, हेलो, बाय। ओ हाँ, मेरे को खाना भी चाहिए थोड़ा सा ना। शिट, खाना जल गया। ओ भाई, गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लगी यहां तक पहुंचने में। पर एक सेकेंड, थॉर म्योलनीर को लेके उड़ता भी है। हम लोग म्योलनीर को लेके उड़ भी सकते हैं, और मैं उड़ते उड़ते बिजली गिरा सकता हूँ कहीं भी। भाई आज तो भाई माइनक्राफ्ट में भाई पवंडर आएगा, पवंडर आज माइनक्राफ्ट में सब लोग गए। ओ, यहाँ पर विलेज है, क्या मैं पूरा विलेज चला सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मैं विलेज चला सकता हूँ। ये अगर मैं विलेजर के ऊपर बिजली गिराऊं तो क्या होगा? ये विलेजर, इतना तेरे बिजली गिराने का मेरे को? ओए बाहरा, ओए बाहरा, तेरा घर जला दूंगा विलेजर। अब तो बाहर आएगा है? विलेजर विच बन गया प्रोफेसर है मैं? मतलब अगर विलेजर के ऊपर बिजली गिराओ तो विलेजर विच बन जाता है। नाइस भाई, आज तो ड्रैगन मारने का अलग ही मजा आने वाला है यार। ड्रैगन जानता नहीं आज क्या आ रहा है उसके लिए। तो गाइस, हमारे पास थॉर की पूरी पावर्स आ चुकी है, और इसी पावर्स को लेकर हम लोग आज क्या करेंगे? ओ वेट अ सेकंड, मेरे को ना एक चीज ना एक्सपेरिमेंट करने का है। थॉर के पास ना कोई आर्मर बिरमर नहीं है। ओके, तो अगर मैं थॉर बनके ऐसा इधर से नीचे कूद जाऊं तो क्या थॉर मर जाएगा? क्योंकि थॉर इज द गॉड ऑफ द थंडर एंड थॉर इज द नॉट द डाई। ओके, इट इज द थॉर इज द नॉट द डाई, थॉर इज द थानोस को मारिंग। बट क्या थॉर फॉल डैमेज से मरेगा? जानने का सिवे की तरीका है। 3, 2, 1। कुछ नहीं हुआ। एंड दैट प्रूव्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, थॉर
फॉल डैमेज से नहीं मरेगा। भाई मेरे को लगा था मैं फॉल डैमेज से गिर के मर जाऊंगा, पर मैं नहीं मरा। वेरी गुड। ओ ये क्या है? ओ नेदर पोर्टल। भाई ये इतनी प्यारी नेदर पोर्टल, भाई इतनी मस्त नेदर पोर्टल, ये पूरे पोर्टल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ओके गाइस, मैं एक चीज रियलाइज कर रहा हूँ। देखो मैं थॉर है, सब कुछ ठीक है, पर ना थॉर को भूख लगता है, ठीक है? तो अभी ना क्या करेंगे हम लोग, ना ये विलेज पे जाएंगे और ओ माय गॉड, ये विलेज में ये घर कैसे जल गया? हेलो भाई, क्या हुआ यहाँ पर? किसने जलाया ये घर? कौन था? क्या, किसने जलाया घर? तू बता, बस तू नाम बता, घर किसने जलाया, उसको फोड़ दूंगा आज मैं। गॉड ऑफ थंडर। अभी मैंने क्या कर दिया? क्या बोला? तूने बोला आयरन गोलम ने घर जलाया। ओए आयरन गोलम, तू गया इधर आ। तूने घर कैसे जलाया? तूने घर कैसे जलाया विलेजर का? डाई आयरन गोलम, मर जा डूबड़े। साला मरता ही नहीं है। अरे मरेगा आज के दिन में। आयरन गोलम मर गया। तो देखो गाइस, मैं थॉर हूँ वो बात ठीक है, पर क्या बात है ना, थॉर को भूख लगता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग इधर ये विलेज में आ चुके हैं, जिस विलेज को हम लोग बुलाएंगे हमारा एस्गार्ड। भाई यार मूवी में जितने बार लोग एस्गार्ड बोलते हैं, मेरे को सुन के हंसी क्यों आती है? मतलब जिसने भी एस्गार्ड का नाम दिया, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सुन के कोई हंस सकता है, ये किसी को गलत लग सकता है। मतलब गलत लगने का बात भी नहीं है, पूरा नाम ही गलत है। तो देखो गाइस, भूख ना थॉर को भी लगता है, इसके लिए थॉर भी ना थोड़ा सा ब्रेड लेगा, ठीक है? थोड़ा सा अपन हमारे एस्गार्ड से थोड़ा सा ब्रेड लेके जाएंगे, ठीक है? क्योंकि थॉर को भूख लगता है। ओके, थॉर इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। गॉड ऑफ थंडर तो क्या हुआ, भूख लगता है थॉर को भी। ओके, आई थिंक इतना खाना काफी होगा। थोड़ा सा दे थॉर, थोड़ा सा और, बस इतना काफी रहेगा। अभी यहाँ से लकड़ी चाहिए। गाइस थॉर ना एपिक माइनक्राफ्ट प्लेयर है। एक हथौड़ा है, वो हथौड़े से बिजली मार रहा है, वो हथौड़े से उड़ रहा है, वो हथौड़े से हेप सैक तोड़ रहा है, वो हथौड़े से लकड़ी तोड़ रहा है। कल हगने के बाद उस हथौड़े से वो भी धोएगा। ओके, हमने बहुत सारे ब्रेड बना लिए, जिससे हमारे थॉर का जो भूख प्यास सब मिट जाएगा। तो जल्दी थोड़ा ब्रेड खा लेते हैं। तो गाइस अभी अपने को क्या करने का, अपने को जाने का वो नेदर पोर्टल के पास, और वो नेदर पोर्टल के पास जाके नेदर पोर्टल को जलाने का है, फिर जाने का है नेदर के अंदर, और हमको ढूंढना है ब्लेस, क्योंकि हमें चाहिए ब्लेस रॉड्स। ओ हेलो विच दीदी, अगर मैं विच को पास जाके हथौड़ा मारूं क्या आएगा? भाई थॉर के हथौड़े की इज्जत बिजली में ज्यादा है। बाय बाय विच। ओके लेट्स गो टू नेदर पोर्टल। ये क्या आवाज है? भाई ये स्टॉर्म ब्रेकर कहां से आया मेरे पास? व्हाट, मेरे पास स्टॉर्म ब्रेकर कहां से आया? हैं भाई, मेरे पास स्टॉर्म ब्रेकर है, मेरे पास म्योलनीर है, दोनों एक साथ। और स्टॉर्म ब्रेकर काम कैसे करता है? ओ भाई इतनी बस चीज है ये, भाई इतनी बस चीज है ये। ओ भाई स्टॉर्म ब्रेकर ओपी चीज है भाई। ओ शिट, एक हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर, एक हाथ में भाई 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 ओए भाई, थॉर को डैमेज कैसे पड़ गया यार? थॉर वर्दी नहीं है क्या? थॉर यार वर्दी वर्दी रहो यार तुम, यार ऐसे मत करो। तो गाइस अभी ना अपने को नेदर में आने का जुगाड़ करने का, जिसके लिए हमारे पास है नेदर पोर्टल है, जो ऑलमोस्ट पूरा बना हुआ है। बस अपने को एक लगाने का ऑब्सीडियन, तो अपन एक को ऐसा तोड़ लेंगे इधर से, स्टॉर्म ब्रेकर से तोड़ेंगे, जल्दी टूटेगा। 2 hours later. टूट रहा है क्या? म्योलनीर से तोड़ेंगे। भाई म्योलनीर से सब कुछ टूट जाता है यार, ये नहीं टूट रहा है। भाई यार ऑब्सीडियन किस चीज से बना हुआ है? थॉर के म्योलनीर से नहीं टूट रहा है। ओ माय गॉड गाइस, ऑब्सीडियन वाइब्रेनियम से बना हुआ है। कंफर्म्ड गाइस, ऑब्सीडियन इज टफर देन वाइब्रेनियम। भाई थॉर के म्योलनीर से नहीं टूट रहा है। भाई डब्बे के अंदर क्या है? अरे वाह, अरे वाह, एक ऑब्सीडियन वहां पड़ा हुआ, मैं ऑब्सीडियन तोड़ने की बातें कर रहा हूँ। चलो अभी इसको चलाएंगे हम लोग बिजली मार के। ओ यस भाई, थॉर के बिजली का फायदा बहुत है, फायदा बहुत है बिजली का, डायरेक्ट पोर्टल जल गया। अभी ये क्या स्पॉन है? ओके अभी अपने को ढूंढने का है नेदर फोर्ट्रेस। अभी ये क्या है? अभी ये क्या मस्त है? ओ भाई नेदर के अंदर बर्बादी बचाने बैठा हूं मैं यहाँ पर आगे। ओके चलो ढूंढने नेदर फोर्ट्रेस। भाई यार ये नेदर इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है? ओए ओए थॉर से डरते नहीं है? ओए थप्पड़ मारूंगा सीधा मैं। चले
ज्यादा देर छानेगिरी करने का नहीं। ओके ओके ओके, अपन इससे लड़ते लड़ते भूल गया कि अपना एजेंडा क्या है। ओ एक और है, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, गुखा ओ नहीं गुनी खा, रुक जा, इधर आ इधर आ इधर आ, गुखा अरे गुखा बोला ना, हाँ गुखा। ओके तो अपन इनको मारते मारते अपना एजेंडा भूल गए थे। अपने को यहाँ पे ढूंढने का है एक नेदर फोर्ट्रेस, और नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ के अपने को चाहिए ब्लेज की ठंडी। ओ यहाँ पर तो नहीं है नेदर फोर्ट्रेस। भाई ये नेदर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है भाई? अरे नेदर डरावना लग रहा है, नेदर और ज्यादा डरावना लग रहा है। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं कहाँ गया हूँ कहाँ नहीं गया हूँ। ओके नेदर फोर्ट, ओ एक और, इधर आ इधर आ, गुखा गुखा गुखा। ओ वेट, ये अबे नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। गाइस क्या कोई जानता है ये क्या चीज है? ये लावा लिटरली बीच में अटका हुआ है। अबे अबे ये क्या स्कैम है? ये लावा बह क्यों नहीं रहा है? भाई मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, भाई ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ, लावा बीच में अटका हुआ है, लावा ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। व्हाट इज दिस फेनोमेनन, व्हाट इज दिस गाइस, ये लावा ऐसा कैसा? पर छोड़ो यार लावा लुवा यार, अपने को जाने का ब्लेज ढूंढने। अबे कितना, ओ अरे अरे कहां जाने का ब्लेज ढूंढने, ब्लेज तो इधर ही है। अरे बिजली का डंडी, तो डंडी किधर है भाई? वो डंडी इन लोग का जल ना जाए बस यार लावा में। चलो जल्दी जल्दी स्पॉन करो। हेलो, हथौड़ा मारूंगा, हथौड़ा मारूंगा साले को मैं। ओ यस, इसने मेरे को चार ब्लेस की डंडी दे दी, नाइस। इधर आ इधर आ, थप्पड़ मारूंगा देखो म्योलनीर के, थप्पड़ मारूंगा म्योलनीर का, थप्पड़ भाई म्योलनीर थप्पड़। गाइस थॉर का नया अटैक है गाइस, इट्स अ न्यू अटैक इन्वेंटेड बाय थॉर, इट इज म्योलनीर थप्पड़। वो अटैक में क्या होता है, वो अटैक में थोर ना लोग को म्योलनीर से थप्पड़ मारता है। ये ले म्योलनीर थप्पड़, चल रहे डंडी दे डंडी दे, दूर जाएगा। बिजली खा, अबे बिजली भी नहीं खा रहा, एक काम करिए ले ये खा। ओ भाई स्टॉर्म ब्रेकर फेंक के मारा उसको मैंने। तो मेरे पास अभी ना 9 ब्लेज रॉड हो चुके हैं जिससे बनेंगे 18 ब्लेज पाउडर, क्या काफी? ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ले स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़। अबे यार दूर चले जाते हैं इन लोग, ले थप्पड़ यार। ये स्पॉन होते अच्छी बात है, बस स्पॉन होके दूर क्यों भाग जाते हैं? चलो इधर आओ इधर आओ, इट इज टाइम फॉर योर म्योलनीर। शिट नहीं 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 नहीं, ब्लेज डंडी नीचे, ओ इधर ही है भाई। ब्लेज डंडी नहीं छोड़ने का, ठीक है ब्लेज डंडी नहीं छोड़ने का, ब्लेज डंडी इज एन इंपॉर्टेंट कमोडिटी। इधर आओ ब्लेज, ओ नाइस। काम करता हूँ मैं ना, घूमते फिरते लोग थप्पड़ मारता हूँ। मैं जस्ट नीचे गिरते गिरते बचाऊ। ओ भाई एक और म्योलनीर थप्पड़। भाई आज मैं कितनी बार नेदर में मरते मरते बचाऊ। आई थिंक मेरे पास इसको मिला के 20 पाउडर, और मेरे को लग रहा है 20 ब्लेज पाउडर ना काफी होंगे। मेरे को लग नहीं रहा है कि मुझे 20 से ज्यादा ब्लेज पाउडर लगने वाला है। अगर मैं इससे ज्यादा कलेक्ट भी कर लूं तो मैं शायद से यूज भी नहीं करूंगा। तो एक काम करते हैं, अभी इतना हो चुका है, इसको लेके वापस चलते हैं ओवरवर्ल्ड में जहां पे अपने को मारने का है एंडरमैन। और सबसे मजे की बात यह कि मेरे को देखना है कि क्या एंडरमैन हमारे स्टॉर्म ब्रेकर से दूर भागेंगे। वैसे स्टॉर्म ब्रेकर से याद आया, वैसे मेरा नेदर पोर्टल किधर? ओए ओए आईपीएल दीदी इधर आओ इधर आओ, थप्पड़ का हाथ, स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़, स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़ इज द बेस्ट मूव एवर। यार थैनोस को ना थॉर को थप्पड़ मारना चाहिए स्टॉर्म ब्रेकर से, सीधा स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़। ऑलराइट गाइस नेदर से वापस आ गए, अभी अपने को मारने का एंडरमैन। पर ये क्या है, भागो घर पे जाओ। अरे 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 रुको जरा, तुम भी घर पे जाओ। हाँ ये स्टॉर्म ब्रेकर मस्त है। ओ वो रहा एंडरमैन, एंडरमैन को स्टॉर्म ब्रेकर फेंक के मारूंगा। साले तू इधर आ इधर आ, समझता क्या है तू अपने आप को, है तू समझता क्या अपने आप? ओके एंडरमैन तो फटके ही मर गया, पर इसने मेरे को एंटरपल बिल्कुल भी नहीं दिया। अबे तुम लोग को समझ रहा है मेरे पास स्टॉर्म ब्रेकर है? भाई इन लोग को अक्कल ही नहीं है। वो रहा एक और एंडरमैन, गाइस एक काम करता हूँ, मैंने उसे भी मार दिया। कैसे काम करता हूँ, इसको जाके ना स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़ मारता हूँ। ये ले ये थप्पड़ खा, ये थप्पड़ खा, खा थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। भाई इसने भी एंडरपल नहीं दिया। वो रहा एक और एंडरमैन, एंडरमैन अबे पोपट हो गया, ओए बेशरम। ओ यस इसने एंडरपल दिया। ए ए भाई ज़ॉम्बी के बच्चे, भाई स्टॉर्म ब्रेकर लेके लड़ने में क्या मजा आ रहा है भाई। स्टॉर्म मेरे को लगा, इसको लगा नहीं भाई, स्टॉर्म ब्रेकर लेके लड़ने में क्या मजा आ रहा है यार, फेंक फेंक के मारो इन लोगों को दूर से बस। ओए एंडरमैन इधर आ, कहां गया एंडरमैन? हो रहा एंडरमैन, अबे बच गया। अरे इधर आ 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 इधर आ। ओ नाइस
भाई स्टॉप ब्रेकर का फटका क्या पड़ता है यार, मजा आ गया फटका मार के स्टॉप ब्रेकर का। भाई मेरे को म्योनलीर से ज्यादा स्टॉप ब्रेकर मारने में मजा आ रहा है। स्टॉप ब्रेकर क्या उड़ते उड़ते जाता है भाई, क्या उड़ते उड़ते जाता है, उड़ते उड़ते जाएगा थप्पड़ मार के वापस। ओ इधर एक और, इधर ओ क्या मारा। बाकी एंडरमैन किधर है? एंडरमैन नहीं नहीं लड़ते, ऐसा नहीं लड़ते बाबा, थॉर से नहीं लड़ते, तमीज से। अब तक तो बिजली भी नहीं मार रहा हूँ मैं, खाली स्टॉर्म ब्रेकर फेंक फेंक के मार रहा हूँ, बिजली का यूज भी नहीं किया मैं अभी तक। अब सोचो अगर बिजली मारने पे थॉर आ गया तो तुम्हारा क्या हालत होगा। ये ले गुखा, तू भी ले गुखा, तुम लोग भी गू खा लो, तू भी गू खा ले। भाई यार अब मेरे को बहुत सारे एंडरमैन ढूंढने पड़ेंगे। तो गाइस मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के जाता हूँ और पूरा गेम घूम घूम के ना एंडरमैन ढूंढता हूँ, उनको मारता हूँ, उनसे एंडर पर्ल लेता हूँ, उससे आईएफ एंडर बनाता हूँ, फिर ढूंढता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड, और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के बाद मेरा म्योलनीर का आ गया, वो आ गया आ गया आ गया। फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के बाद तुम लोग से मैं डायरेक्टली मिलता हूँ एंड में। अबे इतने सारे एंडरमैन एक साथ, स्टॉर्म ब्रेकर तो नहीं पड़ा उसको, स्टॉर्म ब्रेकर, स्टॉर्म ब्रेकर, स्टॉर्म ब्रेकर। नाइस भाई, स्टॉर्म ब्रेकर से मारने का अलग ही मजा है, स्टॉर्म ब्रेकर बजाने का अलग ही मजा है। तू क्या हाथ, तू क्या तीर मार रहा है, मैं तेरे को हथौड़ा फेंक के मारूंगा साले, तू समझता क्या है, तेरे को लग रहा है मैं टाइम पास करने आया इधर। ओके गाइस तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अभी अपने को नीचे जाने का स्ट्रॉन्ग होल्ड में। ओ भाई घुसते सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड, पोर्टल रूम। भाई ये मिशन कभी आज तक नहीं हुआ है। भाई जल्दी जल्दी यहाँ से ये लगा के चलते भाई एंड के अंदर। अबे यार इन लोग क्यों धक्के मार रहे हैं मेरे को। ओके लेट्स गो टू द एंड। अबे ये क्या टट्टी सा स्पॉन पकड़ा दिया है भाई, ये लिटरली क्या टट्टी स्पॉन पकड़ा दिया है भाई। थॉर का हथौड़ा थोड़ा वीक होता गया भाई, भाई बहुत संघर्ष हुई है इसको तोड़ने में, पर अभी गाइस हम लोग आ चुके एंड में और हमारे सामने है द एंडर ड्रैगन। ओफिट अबे मैं एंडर ड्रैगन के इन क्रिस्टल्स को तो ऐसे ही फोड़ सकता हूँ आज, अबे ये तो सही चीज है। ये ले सारे क्रिस्टल फट गए इसके, अब ये क्या करेगा। मैंने सारे क्रिस्टल फोड़ दिए एक बार में एंडर ड्रैगन के, अब ये एंडर ड्रैगन कहाँ जाएगा। ओए आजा नीचे, आ गया आ गया, इसको नीचे आना ही पड़ा, तो हम इसको ना स्टॉर्म ब्रेकर फेंक के मारेंगे। ओवेट इसको स्टॉर्म ब्रेकर से कुछ नहीं हो रहा है भाई, मेरे को एंडर ड्रैगन को ऐसे मारना पड़ेगा हाथ से। भाई बिजली से कुछ नहीं हो रहा एंडर ड्रैगन को, भाई एंडर ड्रैगन को बिजली से कुछ नहीं हो रहा है, मर जाओ पे। वैसे बिजली से याद है मेरा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ गया। ओ स्टॉर्म ब्रेकर वापस आ गया। गाइस मेरे को लिटरली ड्रैगन के नीचे आने का वेट करना है, फिर मेरे को यहाँ जाके ड्रैगन को थप्पड़ मारना है। हम ड्रैगन को मारेंगे स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़ से। गाइस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़ एंडर ड्रैगन को मार देगा, सबसे सही तरीका है स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़। हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर लीजिए और दना दन थप्पड़, दना दन थप्पड़। नीचे आ साले, फिर से नीचे आ, तू तू नीचे आ, ऊपर ऊपर तेरे लिए कुछ नहीं रखा है। ओ मैं ड्रैगन को ऐसे उड़ के थप्पड़ मार सकता हूँ। ओए इधर आ, थप्पड़ मारूंगा, इधर आ, थप्पड़ का थप्पड़ का थप्पड़ का, इधर आ, थप्पड़ 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 मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, इधर आ। अबे यार ड्रैगन कुछ हो ही नहीं रहा। आई थिंक मेरे को ड्रैगन के नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, ड्रैगन जैसे नीचे आएगा उसको मुझे स्टॉर्म ब्रेकर के थप्पड़ मारने। ओए ड्रैगन नीचे आ, ओए जल्दी नीचे आ। अबे जल्दी आ जा यार, क्या कर रहा, जल्दी आ जा, थप्पड़ मारना तेरे को, अबे थप्पड़ मारना, जल्दी नीचे आ। मैं बताओ ये ड्रैगन नीचे आने को तैयार नहीं, मैं थप्पड़ कैसे मारूं ड्रैगन को अभी। आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया 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 आया। अब मारूंगा स्टॉर्म ब्रेकर के थप्पड़, नीचे आ जा इधर। हां ये का थप्पड़, ले थप्पड़ ले थप्पड़ ले थप्पड़। भाई ड्रैगन भागना चाहे, ड्रैगन बस भागना चाहे अभी। खा थप्पड़ खा थप्पड़। अबे यार ड्रैगन इतने से के लिए भाग गया यार, इतने से के लिए ड्रैगन यार मर जाता है एक बार में आके यार, इसको बार बार आके मरना है। चलो कोई बात नहीं यार, अपने अपने शौक होते हैं, हम यहाँ बैठ के ड्रैगन का इंतजार करेंगे। ड्रैगन भाई ड्रैगन को बिजली से भी कुछ नहीं होता, कैसा ड्रैगन है। आजा 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 आजा। अभी ड्रैगन का हो गया गाइस, अभी हो गया। मैं ड्रैगन को क्राफ्टिंग टेबल से मारूं क्या। भाई ड्रैगन क्राफ्टिंग टेबल से भी मर रहा है, पर नहीं हम ड्रैगन को मारेंगे स्टॉर्म ब्रेकर थप्पड़। 3 2 1 एंड दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ थॉर ने ड्रैगन को मार दिया है और हम बन चुके द ड्रैगन किलर थॉर। मजा आ गया, क्या मारा ड्रैगन को, दिल खुश हो गया, नाइस। सो एनीवे गाइस इसी के साथ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सो आपको आज का वीडियो देखकर मजा आएगा, और मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।